Children, as we have completed our chapter, foot. Now let's complete our question answer. Take out page number 6464. Alright. We like munching dash in winter, we like munching nuts in winter. Mint gives flavor to our. फूड एफ एल ए वी ओ यू आर मिंट गिवस फ्लेवर टू आर फूड डैश इज अ ग्रीन वेजिटेबल आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम जानते हैं आप लिख सकते हैं न जैसे मैंने पी स्लैस लिखा है तो आप लिख सकते हो पोटैटो इज एंड डैस स्टेम पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम कैरोट इज अ रूट इट कैन बी इट एन रॉ है ना पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है ना एंड कैरट इज अ रूट जिसको आप कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं मै इज द फॉलोइंग रेडिश इज अ रूट आलमंड इज अ सीड जिंजर इज अ स्टेम कोरियंडर इज अफ मेलन इज अ फ्रूट Now, take the correct option. We eat the seed of very good rice. It is a fruit which is cooked and eaten as vegetable. Brinjal. Very good children. It is the age at which babies can start eating semi-solid food. 6 months. The type and amount of food consumed and needed by different person depends upon their age gender and physical activity now come to d answer the following question this is your d answer the following question i have written in my copy name the two sources of our food प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सोर्स बताना है फूड का नाम हमें खाना कहाँ से मिलता है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट से वॉट वी गेट फ्रॉम प्लांट वी गेट फ्रूट सीड्स स्टेम लीफ एंड फ्रॉम एनिमल मिल्क फ्लैश मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश नेम दार्ट ऑफ प्लांट विच आर यूज एज फूड प्लांट के पार्ट्स बताने हैं जो हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं खाते हैं कंज्यूम करते हैं एवरीथिंग ऑफ द प्लांट वी यूज टू ईट एंड कंज्यूम रूट स्टेम लीफ फ्रूट सीड्स फ्लावर वेजिटेबल्स वी कंज्यूम नाउ कम टू थ्री हाउ डू वी ऑप्टेन वीट फ्लोर वीट फ्लोर कैसे मिलता है हमें आटा कैसे मिलता है गेहूं का सीड ऑफ वीट यस वीट के सीड को ग्राइंड करके मिलता है ने मेनी टू रूट विच आर इट एज फूड दो रूट बताना है मैम ने तीन लिखा है कैरेट रेडिस टर्निप व्हाट एवर यू लाइक यू कैन राइट वाई डू वी नीड टू ईट नट्स हमें नट्स क्यों खाना चाहिए

वाई आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिगार्डेड एज गुड फूड फॉर वन एंड ऑल क्यों मिल्क या मिल्क से बना हुआ कोई भी चीज गुड फूड कहलाता है सबके लिए छोटे हो बड़े हो किसी के लिए भी मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इट हेल्प्स अस टू ग्रो गिवस अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्राम डिजीजेज so milk and milk products regarded as good food for one and all why are green vegetables and fruits important for us question number two why are green vegetables and fruits important for us green vegetables and fruits are important for us because they keep us healthy दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज ये हमें हेल्दी रखता है एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज वॉट काइंड ऑफ फूड इज प्रफर्ड बाय ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो कैसा खाना खाना प्रेफर करते हैं ईजी जो उनके दांतों से ईजिली च्यू कर सके वो खा सके जो उनके पेट में जाकर डाइजेस्ट हो सके आपकी तरह पिज्ज़ा चाउमीन बर्गर नहीं खा सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है तो ऐसा खाना खाएँगे वो खाएंगे ईजिली डाइजेस्टिबल सिंपल फूड लाइक दाल रोटी इज प्रिफर्ड बाय ओल्ड पीपल या दूध रोटी है ना ईजी डाइजेस्टिबल फूड इज़ कंज्यूम्ड बाई द Old people. Okay, children, this is the end of your chapter 8 Foot. Thank you, everyone.